हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना हर इंश्योरेंस एजेंट के लिए क्यों खास है, इस महीने में क्यों अच्छे बिजनेस के चांस अधिक हैं, आपकी MDRT में कैसे ये अप्रैल का महीना एक जैकपॉट बनेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में आपको LIC और इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, मार्च फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग का महीना होता है, सभी को इनकम टैक्स बचाने के लिए सेविंग करनी पड़ती है, एक तरीके से पूरा माहौल बन जाता है जिससे मार्च के महीने में जबरदस्त बिजनेस होता है। हम हर एक को अप्रोच करते हैं नई पॉलिसीज़ के लिए, कई जगह से हमें और अच्छा बिजनेस मिलता है, या यूं कहें कि मार्च के महीने में बिजनेस एक पीक पर होता है। हम भी दिन रात एक कर चुके होते हैं क्योंकि हमारी क्लब मेंबरशिप के लिए भी हमें अपना क्राइटेरिया इसी महीने पूरा करना होता है, तो हम पूरे जोश के साथ मार्च भर भागते रहते हैं। और मार्च के बाद क्या होता है दोस्तों, रेस्ट। सही कह रही हूँ ना मैं? और मार्च के बाद कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये बात आ जाती है कि अब तो कोटा पूरा कर लिया, क्लब मेंबरशिप भी अचीव कर ली, ठीक ठाक बिजनेस भी आ गया, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। और इसी आराम के चक्कर में अप्रैल कैसे बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। आराम तो हम एक दो दिन का सोच के चलते हैं, पर धीरे धीरे ये आराम पूरा अप्रैल महीना कैसे खा जाता है हमें पता ही नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, इस आराम के चक्कर में हमारा पूरा कंटिन्यूशन भी टूटता है, हमारे बिजनेस की लय भी टूट जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, कभी अर्ली मॉर्निंग में ड्राइव करिए, आप देखेंगे कि दिन के कंपैरिजन में ड्राइव करना बहुत आसान होता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम होता है। ऐसे में कोई भी लर्निंग ड्राइवर जिसे ड्राइव करना नहीं आता हो वो भी बहुत आसानी से ड्राइव कर लेता है। इसी तरह फ्रेंड्स, अप्रैल का महीना भी अर्ली मॉर्निंग की तरह ही होता है। ज़्यादातर एजेंट्स, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर से हो या अदर सेविंग सेक्टर से हो, एक्टिव नहीं होते हैं, तो ऐसे समय में आपको अपने बिजनेस की गाड़ी को दौड़ा देना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अप्रैल में बिजनेस नहीं आता है, ये एक भ्रम है। आप जब शुरुआत करेंगे तो पाएंगे कि अप्रैल में भी बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है। पहले क्रिकेट मैच में वनडे मैच होता था जिसमें 50-50 ओवर का मैच होता था, जिसमें 300 का स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता था। किसी टीम ने 300 का रन बना लिए तो लोग उसकी जीत पक्की समझते थे। फिर 2020 मैच आया जिसमें वही 300 रन 50 ओवर की जगह सिर्फ 20 ओवर में ही बनने लगे। तो फ्रेंड्स, ये सब आपके दिमाग का भ्रम है, इसे दिमाग से निकाल दीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि इसी अप्रैल महीने में आपको इतनी लीड लेनी है कि आपको कोई छू ना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।